శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబెలంబితాంబుజంగ తుంగమాలికాడ్డమడ్డమడ్డ. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్యతు భాగ్భవే. ఏ స్పిరిచువల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆప్కు shivago.com పే ఆథెంటిక్ ఆర్ జెన్యూన్ మిలేంగే. నమస్కార్, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुकरात के बारे में. आज बहुत लोग सुकरात के बारे में नहीं जानते हैं. हम सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा करते थे जब हम शायद फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में हुआ करते थे या सेवेंथ के क्लास में हुआ करते थे. हम उन्हीं सुकरात की बात कर रहे हैं. सुकरात कौन थे? तो सुकरात प्राचीन ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे, जो कहा जाता है कि 469 ईसा पूर्व से लेकर 399 ईसा पूर्व तक थे. और विख्यात यूनानी दार्शनिक थे. उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक कुरूप व्यक्ति थे और बहुत ज़्यादा बोलते थे. सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था. सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे. सुकरात ने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा. सुकरात का जन्म एथेंस के सीमा प्रांत के गांव में हुआ था और उनके पिता सोफ्रोनिस्कस संगत राज थे और उनकी माता दाई का काम करती थी. सुकरात ने अपना जीवन एथेंस में बिताया था और प्रारंभ में तो सुकरात ने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाया और उनकी सहायता भी की है. तो सुकरात मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद किया करते थे. सच्चा ज्ञान संभव है बसरते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए. जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं उन्हें तत्संबंधी घटनाओं पर हम परखें. तो इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं और ज्ञान के समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है, ये उनका कहना था. बुद्ध की भांति सुकरात ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं. बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके उपदेशों को बहुत कुछ सीधे तौर पर जान सकते हैं, किंतु सुकरात के उपदेशों के बारे में यह सुविधा नहीं है. सुकरात का क्या जीवन दर्शन था यह उनके आचरण से ही मालूम होता है, लेकिन उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं. कुछ लेखक सुकरात की प्रसन्न मुखता और मर्यादित जीवनोपभोग को दिखलाकर कहते हैं कि वो भोगी था. दूसरे लेखक शारीरिक कष्टों की ओर से उसकी बेपरवाही तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार रहने को दिखलाकर उन्हें सादा जीवन का पक्षपाती बतलाते हैं. तो सुकरात को हवाई बहस पसंद नहीं थी. वो एथेंस के बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे. गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी उन्होंने वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी. ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे. उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्य अफलातून और अरस्तु ने पूरा किया. इनके दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है. पहला सुकरात का गुरु शिष्य यथार्थवाद और दूसरा अरस्तु का प्रयोगवाद. मौत के बारे में भी यही कहा जाता है कि थोड़े से वहां भी कंफ्यूजन रहते हैं. कई अन्य ग्रीक दार्शनिकों की तरह सुकरात ने अपने विचारों को लिखित रूप नहीं दिया था. इसके बजाय वो अपने शिष्यों को व्याख्यान देना ज्यादा पसंद करते थे. यह भी उल्लेख है कि उनके दो शिष्य थे प्लेटो और जेनोफोन और उन्होंने अपनी रचनाओं में सुकरात के बारे में काफी कुछ लिखा है, जिससे हम सुकरात के इतिहास उनके विचारों की जानकारी प्राप्त हो सकती है. प्लेटो के एक लिखित विवरण में सुकरात एक मुख्य पात्र के रूप में है. तो प्रारंभिक जीवन के बारे में हम आपको बता चुके हैं. सुकरात एक ऐसे समय में जी रहे थे जब उनके नगर एथेंस का स्पार्टा राज्य के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था.
और सालों से कई छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। तो एक पुरुष होने के कारण सुकरात के अपने शहर की तरफ से लड़ना अनिवार्य था। उन्होंने सेना में पैदल सैनिक की भूमिका निभाई। उन्हें एक लंबी ढाल और भाले को साथ लेकर लड़ना होता था। सुकरात ने कुछ लड़ाइयों में हिस्सा लिया जिनमें अपनी वीरता और साहस से उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सुकरात की शादी भी हुई थी और उनके 3 संतानें थीं। हर जगह पे उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे जैसे सुकरात बड़े होते गए उन्होंने दर्शन को खंगालना शुरू किया। बाकी दार्शनिकों के विपरीत उन्होंने नीति शास्त्र पर ज़्यादा जोर दिया और लोगों को भौतिक जीवन के ऊपर उठकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है। ये भी कहा जाता है कि प्रारंभ में तो सुकरात ने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाया और उनकी सहायता की। बाद में वो सेना में गए। वह पैटीडिया के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़े थे। अपनी वार्ताओं के कारण ही सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति समझे जाते थे और कुछ समय तक सुकरात एथेंस के काउंसिल के सदस्य भी रहे थे और वहां उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया है। उन्हें कभी भी गलत का साथ नहीं दिया है, चाहे अपराधी हो या निर्दोष। उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने दिया। 2 विवाह हुए थे उनके। उनकी पहली पत्नी का नाम मायर्टन था। उससे सुकरात के 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरी पत्नी का नाम जेंथाइप था और उसने भी 1 पुत्र को जन्म दिया था। तो कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महानतम व्यक्तियों से भी महान माना जाता है। सुकरात एक उच्च कोटि के मनीषी तो थे ही, वह 100% ईमानदार थे। उनका जीवन दर्शन डिफरेंट ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुद्ध के शिष्य तो उनके जीवन काल में सब चीज कंठस्थ कर दिए थे, पर इनके साथ वैसा कुछ नहीं था। धर्म संबंधी भ्रामक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उन्होंने प्रश्नोत्तर प्रणाली का प्रयोग किया और कहा कि हम सब अज्ञानी हैं। जब सुकरात ने जहर का प्याला खुशी खुशी पिया और जान दे दी, उन्हें कारागार से भाग जाने का आग्रह उसे शिष्योत्तर स्नेह ने किया, किंतु उन्होंने क्या कहा था, भाइयों तुम्हारे इस प्रस्ताव का मैं आदर करता हूं कि मैं यहां से भाग जाऊं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है, और भला प्राण कौन देना चाहता है। किंतु यह उन साधारण लोगों के लिए नहीं है, यह उन साधारण लोगों के लिए है जो लोग उस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा अमर है, फिर इस शरीर से क्या डरना। हमारे शरीर में जो निवास करता है, क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। आत्मा ऐसे शरीर को बार बार धारण करती है, अतः इस क्षणिक शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं है। क्या मैंने कोई अपराध किया है? जिन लोगों ने इसे अपराध बताया है उनकी बुद्धि पर अज्ञान का प्रकोप है। मैंने उस समय कहा था कि विश्व कभी भी एक ही सिद्धांत के परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंतस के तम को हटाना है। क्या है? अंतस के तम को हटा देना चाहिए। और मनुष्य एक नश्वर काया मात्र नहीं, वह सजग और चेतन आत्मा में निवास करता है। इसलिए हमें आत्म अनुसंधान की ओर मुख्य रूप से प्रवृत्त होना चाहिए। ये अरस्तु के लाइंस थे। युवा और एथेंस के विद्वानों ने सुकरात के इर्द गिर्द होकर दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेना शुरू किया था और चर्चाओं में नीति शास्त्र और एथेंस में मौजूद राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाती। तो उनका तरीका डिफरेंट था, उसे सुकरात विधि कहते हैं। जैसे जो प्रश्नोत्तर होते थे, जो प्रश्नावली तैयार किए जाते थे, वहां पे वाद विवाद होते थे। तो इस तरह एक विषय को प्रश्नोत्तर द्वारा समझने के तर्कपूर्ण विधि को आज सुकरात विधि कहा जाता है। अभी उनको एक कारण था कि सुकरात को भाई मौत की सजा सुनाई गई थी और उन्होंने विष का प्याला पिया। तो सुकरात को क्यों सुनाई गई थी मौत की सजा?
जब स्पार्टा नगर के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में एथेंस वासियों की हार हो जाती है तो शहर की बागडोर 30 लोगों की एक परिषद के हाथ में आ जाती है, जिन्हें 30 तानाशाह कहा गया। और इन 30 लोगों में सुकरात का एक पूर्व छात्र क्रिटियास भी होता है। इन 30 लोगों की सत्ता अधिक दिन तक नहीं चली और इन्हें एथेंस के लोगों ने जल्द ही सत्ता से उखाड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल कर दी। और क्योंकि सुकरात ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की खिलाफत की और उसका एक छात्र स्पार्टा के 30 तानाशाहों में से एक था, इसलिए उसे राज्य का गद्दार कहकर उस पर मुकदमा चलाया गया और उस पर युवाओं के बिगाड़ने के साथ साथ ईशनिंदा और नास्तिक होने के आरोप भी लगाए गए और सुकरात को इन सब के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। पर आज सुकरात अमर है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो लगभग 70 साल के थे और आज सुकरात अपने विचारों के कारण ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बस उनकी एक शॉट में यूं समझ लेते कि शॉर्ट में समझ लीजिए उनके थीसिस कि बुद्धि ही सबसे बड़ा सद्गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। शिक्षित व्यक्ति उचित अनुचित का विवेक कर सकता है। अतः सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए। एक बार सुकरात के शिष्यों ने उनसे पूछा कि चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों रहता है, तो सुकरात ने कहा कि तुम्हें दीप का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति नहीं दिखाई देती। इस संसार में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। जो अच्छा देखना चाहता उन्हें सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है और जो बुरा देखना चाहता उन्हें सब कुछ बुरा ही नजर आता है। तो मूर्ख और विद्वान की पहचान बताते उन्हें अपने शिष्यों से कहा था कि जो अपने अनुभवों से लाभ उठाए वो बुद्धिमान है और जो अपने अनुभवों से लाभ नहीं उठाए वही मूर्ख है। तो इस तरह से अपनी तर्कपूर्ण बातों से उन्होंने आत्मा के स्वरूप, प्रकृति के सत्य, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग, मृत्यु की सत्यता तथा शिक्षा, समाज, धर्म, राजनीति आदि विषयों को लोगों तक सच्चाई से पहुंचा है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।